बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों एक महत्वपूर्ण गाइड जो कि इतिहास से संबंधित जो टॉपर्स नोट्स है IAS के, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आज साथियों ये जो पुस्तक है इसका रिव्यू हम करेंगे। इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण अध्याय है वो विषय सूची के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे। इस टॉपर्स नोट्स को परचेज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस गाइड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। इस पुस्तक का रिव्यू करने से पहले साथियों मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको कौन कौन से वीडियो मिलेंगे। सबसे पहले साथियों इतिहास का जो अभी हमने सीरीज प्रारंभ कर रखा है बुक रिव्यू का, ये है साथियों नेट JRF के लिए इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक। इसका रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आधुनिक विश्व का इतिहास साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, इसका रिव्यू भी हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों जो IAS के ये टॉपर्स नोट्स है इनका रिव्यू भी, प्रत्येक पुस्तक जो इतिहास से संबंधित है इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी साथियों। कला एवं संस्कृति दृष्टि की ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका भी रिव्यू हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। दृष्टि IAS के ये जो साथियों भारत ये इतिहास एवं कला और संस्कृति से संबंधित ये जो MCQs की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके अंदर साथियों 2300 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी इसी चैनल की प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो मिल जाएगी। ये है साथियों किरण पब्लिकेशन की, जिसमें भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और अगली पुस्तक है विश्व का इतिहास, महेश कुमार बर्नवाल NCERT सार, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, सभी विद्यार्थियों के दिल को बहने वाली एक पुस्तक इतिहास NCERT सार महेश कुमार बर्नवाल। ये पुस्तक लगभग हर एक विद्यार्थी सोचता है कि मेरे पास खास इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण गाइड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर वो मेरे पास हो तो मैं एग्ज़ाम में सफल हो सकता हूँ। और यहाँ पर विपिन चंद्र, ये साथियों आधुनिक भारत का इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू अगर आपको देखना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। स्वतंत्र भारत संघर्ष, ये जो है साथियों भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो कि इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान से संबंधित अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पुस्तक है साथियों डॉक्टर हुकुम चंद जैन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, ये भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास, इसका भी रिव्यू आपको मिल जाएगा। और ये जो IAS के टॉपर्स नोट्स है इसका भी रिव्यू किया गया है साथियों। और अंत में एक महत्वपूर्ण गाइड जो कि साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारी गाइड है। इसको पढ़ने के बाद साथियों आप समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, यानी समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छे से सदुपयोग करेंगे साथियों। अब साथियों हम चलते हैं इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए IAS टॉपर्स नोट्स में। और इस वीडियो के अंत में आपको दो ऐसी महत्वपूर्ण गाइड के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूं जो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो पुस्तक रामबाण साबित होगी। और ये कब संभव होगा साथियों, जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वहां पर आपको दो महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। चलिए साथियों देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले साथियों विषय सूची के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो भारतीय संस्कृति, इसके बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ दिया गया है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर विरासत के बारे में जानकारी दी गई है और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में जानकारी इसमें दी गई है।
शिल्प कला के बारे में जानकारी दी गई है साथियों, मूर्ति कला के बारे में जानकारी दी गई है, वस्त्र निर्माण से संबंधित पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में चित्रकला, नृत्य कला, संगीत, गायन, रंगमंच, साहित्य, प्राचीन भारत, वैदिक काल, महाजनपद काल, इन सब के बारे में साथियों इसमें विस्तार के साथ बताया गया है। मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और उसके बाद में साथियों पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल, इनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। ये जो टॉपर्स नोट्स है इसके अंदर साथियों कौन कौन से और महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर विषय सूची के अंतर्गत बताने वाला हूँ। सबसे पहले साथियों आप देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति का परिचय। अब साथियों ये भारतीय समाज के अंतर्गत आप इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पर है भारतीय समाज का परिचय, जाति व्यवस्था, इसके बारे में विस्तार के साथ यहाँ पर दिया गया है। साथियों वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव रहा, वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, वो पूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलने वाली है। भारत में विवाह है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई, भारत में परिवार, संयुक्त परिवार, इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। सेरोगेसी, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, सेरोगेसी क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, वो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों भारत में धर्म, भारत में जनजाति, नगरीकरण, समस्या और समाधान, इसके बारे में भी जानकारी इसी गाइड में आपको मिलने वाली है। भारत में प्रवास, जो प्रवास है उसके बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। विकास संबंधी मुद्दे, महिलाओं के प्रमुख संगठन, आंदोलन, इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। भारत में विविधता, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। यानी साथियों इन नोट्स को आप परचेज करने से पहले आप ज़रूर देख लीजिए कि इसमें हमें पढ़ने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात साथियों, आपको अगर फिर भी डाउट है कुछ भी कि इनकी शैली कैसी है और इनके बारे में कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। अब साथियों इस वीडियो के एंड में मैं आपको दो ऐसी रामबाण पुस्तक बताने वाला था, ये मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, तो उसमें सबसे पहली पुस्तक है साथियों किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये है दिशा पब्लिकेशन की, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर आपको 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs मिलेंगे। यहाँ पर जो MCQs दिए गए हैं उनको इतना विस्तार के साथ बताया गया है, समझाया गया है कि आपका कोई भी एग्जाम जिसमें भी आप शामिल होते हो अगर इस गाइड को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस गाइड को आप ज़रूर पढ़िए साथियों, दिशा पब्लिकेशन के और 2021 का लेटेस्ट वर्जन है ये। तो नंबर एक तो ये है पुस्तक MCQs प्रैक्टिस करने के लिए, और दूसरी जो गाइड है साथियों ये है आपके सामने सामान्य अध्ययन पेपर 1, GS का जो पेपर होता है, जनरल स्टडी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं पूरे सब्जेक्ट इस एक गाइड में मिलेंगे। इस पुस्तक का रिव्यू भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। ये 2021 मनोहर पांडे अरियंत पब्लिकेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वसनीय गाइड है साथियों, इसको भी आप पढ़ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। अब साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो साथियों सबसे पहले आप इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में साथियों इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप तक इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच सके। और बाकी साथियों आपके दूसरे जितने भी भाई बहन, तैयारी करने वाले यार दोस्त वगैरह है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।